मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आगामी 17 जून को ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, एडिशनल SP श्री तरुणेंद्र सिंह बघेल, डिप्टी कलेक्टर श्री सत्येंद्र बेरवा सहित अन्य अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर सिंह ने कहा कि समाज के सभी लोग आपसी समन्वय एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। यदि कोई विषय सामने आता है तो स्वयं कोई कार्यवाही न करते हुए नियुक्त मजिस्ट्रेट से संपर्क कर बताएं। किसी भी तरह के शरारती तत्वों की सूचना मिलने पर तुरंत बताएं एवं सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। बैठक में बताया गया है कि त्योहार पर कुर्बानी क्लोज कंपाउंड में करें और अवशेष उठाने के लिए नगर पालिका द्वारा कंटेनर रखे जाएंगे। ईद पर लगने वाली मजिस्ट्रेट ड्यूटी के पास वाहनों के चालकों के मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने शांति समिति के सदस्यों का दायित्व है कि सभी त्योहार एवं पर्व मिलजुल कर मनाएं। वहीं हम न केवल त्योहारों पर बल्कि किसी भी समय होने वाले विवादों को मिलकर निपटारा करें। किसी भी जगह कोई मामला संज्ञान में आता है तो प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। हम सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। शहर की अच्छी संस्कृति है, इसे चंद लोगों के कारण खराब न करें। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। वहीं बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा ईद उल जुहा के त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। किस प्रकार के निर्णय और क्या सुझाव रखेगा? मैं करीब 30 साल से शांति समिति का सदस्य हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है कि शांति समिति की बैठक में एक औपचारिकता होती है, लेकिन आज की इस मीटिंग में मैंने ये देखा कि औपचारिकता की परिधि से बाहर आकर प्रभारी कलेक्टर आकाश सिंह जी ने त्यौहार शांति और सद्भाव से मनाने के लिए जितना बारीकी से जिन बिंदुओं को हाईलाइट किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे ही बिंदुओं पर नगर पालिका परिषद को और हम जिम्मेदारों को काम करना है। दूसरा, मैंने बहुत अनूठा मुझे लगा और बहुत रोमांचित हुआ मैं SP धर्मराज जी मीणा के उद्बोधन को सुनकर। उन्होंने खरगोन शहर में शांति और सद्भाव बना रहे, लोग सांप्रदायिक सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएं, अपने दिल की आवाज़, दिल के धड़कनों से जो है अमन की बात की, भाईचारे की बात की। ये दोनों ही अफसरों ने आज जिस शिद्दत के साथ मीटिंग ली है वो उसका प्रभाव जो है हम शांति कमेटी के सारे सदस्यों को, जितने भी हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, हम पे गहरा प्रभाव पड़ा है। हम स्वतः इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको आगे रहकर शहर में शांति सद्भाव के लिए तत्पर रहना। अजीजुद्दीन शेख, देखिए बहुत ही सकारात्मक वातावरण में आज की शांति समिति की बैठक हुई और आगामी त्यौहार जो मुख्य रूप से बकरीद का आ रहा है उसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं शहर में और जिले में होना चाहिए, उन सारे बिंदुओं पर फोकस किया गया। और प्रभारी कलेक्टर आकाश सिंह जी ने जो निर्देश दिए, निश्चित रूप से शासन प्रशासन और हम शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से आमजन भी उसका पालन करेंगे। और जो SP महोदय ने भी, धर्मराज जी मीणा ने भी बहुत सी जो बातें कही, क्योंकि हाल ही में जावरा में जो घटना हुई तो उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि प्रशासन विशेष रूप से सतर्कता बरत रहा है और किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। प्रकाश भावसार, सदस्य शांति समिति खरगोन। बैठक में यहाँ पे जितने भी हमारे समाज के प्रबुद्ध जन लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो, इसके सिवाय अन्य समाज के लोगों से भी, हमने सभी से चर्चा करी कि कैसे ये जो पर्व आने वाला है इसको और कैसे अच्छे रूप से, कैसे शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सकता है। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि जो है नगर पालिका के माध्यम से क्या अच्छी और व्यवस्था कराई जा सकती है। उन सभी को हम लोगों ने नोट डाउन करा है, सभी CMO से जो है उस रूप में चर्चा करी है। ये सिर्फ यहाँ खरगोन के लिए ही नहीं, खरगोन शहर के लिए ही नहीं, सभी जो है जिले में और जो नगर पालिकाएं हैं वन ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे मनाया जाएगा तो उसके लिए पूर्ण रूप से जो है सुझाव लिए गए हैं। उसके लिए हम लोग जो है सभी को निर्देशित कर रहे हैं, सभी CMO को, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो अमला है उसको, और कैसे और शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सकता है उस पर चर्चा करी गई है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे हम लोग। और सभी हमारे जो खरगोन के वासी हैं सभी से हमारी अपील है कि इस पर्व को जो है कैसे और अच्छे रूप से जो है मना सकते हैं, इसमें हमारा सहयोग करिए। हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी आपका
सहयोग करने के लिए तत्पर रूप से जो है तैयार रहेगा। पर्व है, पर्व को पर्व की तरह से अच्छे रूप से जो है याद रखा जाए, उस तरीके से मनाए, मैं आप सभी से अपील करूंगा। नमस्कार। खरगोन जिले में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई है। इसमें शांति समिति के सभी सदस्यों से अपील की है कि आने वाले सभी त्योहारों को पूरी तरह से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करना है। साथ ही हमारे अलग अलग विभाग जैसे कि नगर पालिका या हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, तो सभी विभागों की ड्यूटी इस पूरे धार्मिक त्यौहार के आयोजन में लगेगी। और किसी भी प्रकार का कोई यदि विवाद होता है, कहीं पर कोई समस्या आती है या किसी व्यक्ति का कोई विषय है, तो वो तत्काल प्रशासन को अवगत कराए। किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था रहेगी और प्रत्येक थाना चौकी स्तर पे पूरा पुलिस प्रशासन का बल ड्यूटी पे लगेगा। जो भी कुर्बानी होती है वो बंद कैंपस में होगी और उसका डिस्पोजल व्यवस्थित तरीके से डबल पॉलीथिन्स में पैक करके और नगर पालिका की जो स्वच्छता अभियान की गाड़ियां हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। और सभी से ये अपील है कि जो भी व्यक्ति जुलूस में जाते हैं या नमाज अदा करने जाते हैं तो वो शांति बनाए रखें, व्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो, क्योंकि 17 तारीख को ईद है और 16 तारीख को गंगा दशमी भी है। तो नर्मदा जी के किनारे कसरावद, मंडलेश्वर, महेश्वर, बड़वा, सनावद जैसे कस्बों में लाखों श्रद्धालु आएंगे और यहाँ स्नान और पूजा अर्चना के काम करेंगे, तो उनकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से प्रशासन करेगा। शांति समिति के सदस्य का सहयोग से हमें इन सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और परस्पर समन्वय से संपन्न कराने में आसानी होगी। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।